कुसुम अपने बेटे की शादी पिंकी नाम की लड़की से करके उसे अपने घर ले आती है। कुसुम की बहू पिंकी खाने पीने की बड़ी शौकीन थी। शादी के बाद जब पिंकी की पहली रसोई होती है तब पिंकी अपनी सास से कहती है, माँ जी मैं अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊं? बहू तुझे जो भी आता है ना तू बना दे। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। थोड़ी देर बाद पिंकी खाने के लिए जलेबी, समोसे और पिज्जा बनाकर लाती है। ये सब देखकर उसकी सास उससे कहती है, बहू ये सब क्या है और ये किसने कहा तुझे बनाने को? भला ये कोई खाने की चीज है? माँ जी आपने ही तो कहा था कि बहू तुझे जो पसंद है तू बना ले, तो मैंने अपनी पसंद का खाना बना दिया है। पर बहू ये कहाँ से तुझे नाश्ता लग रहा है? अरे इसे खाना बोलते हैं क्या? खाना तो होता है दाल चावल रोटी सब्जी, ये कोई खाना नहीं होता बहू। माँ जी मैं तो ये सब ही खाती हूँ, अगर आपको नहीं खाना तो मैं खा लेती हूँ। कुसुम अपनी बहू की सब बातें सुनकर शांत होकर बैठ जाती है। दरअसल पिंकी को इस तरह का खाना बनाना और खाना दोनों ही बहुत पसंद था। वो कभी कभी मोमोज तो कभी पिज्जा बनाती और कभी समोसे बनाकर बड़े चाव से खाती और अपने परिवार को भी यही खिलाती। एक रोज सास कुसुम का उसकी ही पड़ोसन बसंती से झगड़ा हो रहा था और इधर पिंकी मैगी खा रही थी। अब अपनी सास और बसंती आंटी का झगड़ा देखने के लिए मैगी खाते हुए बाहर निकलती है। देख कुसुम, जिसके पास तेरे जैसी बहू होगी उसको दुश्मनों की क्या ही जरूरत है। अरे यहाँ हमारी लड़ाई चल रही है और तेरी महारानी बहू देख कैसे खाते खाते आई है यहाँ पे देखने। कुसुम और बसंती में खूब झगड़ा होता है, लेकिन जैसे ही कुसुम घर आती है वैसे ही वो अपनी बहू पिंकी से गुस्से में कहती है, अरे नासपीटी क्या जरूरत थी तुझे बाहर आने की वो भी खाते हुए? अरे कोई पिक्चर चल रही थी क्या वहाँ पे जो तू आके बड़े मजे से देख रही थी? अक्कल है या वो भी बेच खाई तूने? नहीं नहीं माँ जी आप कैसी बात कर रही हो, मैंने घर का सारा काम किया है और जैसे ही खाना निकाल कर बैठी वैसे ही आपकी और बसंती आंटी की लड़ाई की आवाज़ सुनी तो सोचा देखूं क्या बात हो गई है और खा भी लूंगी। वाह बहू वाह, अगर उस बसंती की बच्ची ने ना मुझे मार दिया होता ना तो भी तू यही बोलती कि अभी मैं पानी पी के आती हूँ। नासपीटी कहीं की करम जली। नहीं माँ जी मैं पानी भी साथ लेकर आई थी, मुझे पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ती। सत्यानाश हो तेरा, ना जाने कैसी बहू को मैं ब्याह करके ले आई। हे भगवान अब तू उठा क्यों नहीं लेता? अरे मुझे नहीं उस बसंती को। एक दिन राजीव ऑफिस के लिए निकल रहा था तभी वो पिंकी से पूछता है कि खाने में लंच में उसने क्या बनाया है। अजी सुनिए लंच में आलू और ब्रेड पकौड़े और मोमोज बनाए हैं। हैं क्या क्या बनाया तुमने? मोमोज और ब्रेड पकौड़े? अरे पागल इंसान ये कोई खाने की चीज है? अरे यार सुबह कुछ अच्छा बना लेती यार, क्या बना के रख दिया तुमने? अरे ये सब चीजें अच्छी ही होती हैं, मोमोज और ब्रेड पकोड़ा भला किसे पसंद नहीं है? अरे मुझे नहीं पसंद है, नहीं पसंद है मुझे। अरे कब तक ऐसे अजीबोगरीब खाना बना के खिलाती रहोगी तुम? अरे कभी कुछ अच्छा बना लिया करो, कुछ सही से बना लिया करो यार, क्या बनाती रहती हो? ये सब खाना बढ़िया ही तो है, लोग तो लाइन में लगकर एक घंटा वेट करते हैं ऐसा खाना खाने के लिए और मुझे तो यही पसंद है। अरे यार तुम्हें खाना है ना तुम खाओ, तुम्हें जो खाना है तुम वो खाओ। अरे तुम गधे की पोटी खा लो यार, मैं उसके लिए भी मना नहीं करूंगा, लेकिन मुझे और मेरी माँ को कुछ सादा खाना बना के दिया करो यार। अरे मेरी माँ की उम्र हो गई है, ऐसा खाना खाएंगी ना तो निपट जाएंगी यार। और बात रही मेरी, तुम्हारा ऐसा ये चटपटा खाना खा खा कर ना ऑफिस में अपनी सीट पे कम और वॉशरूम में ज्यादा दिखता हूँ। पिंकी के मस्त मौला और खाने वाली आदत से कुसुम बहुत परेशान थी, लेकिन क्या ही किया जा सकता था। अब देर शाम कुसुम अपने घर के दरवाजे पर बैठी थी, वो देखते कि एक सांप उसके घर से निकल रहा था। बहू सांप कहाँ है तू? बहू कितना बड़ा सांप, बहू बहू कहाँ है तू? अपनी सास की बात सुनकर जैसे ही पिंकी हॉल में आती है वैसे ही कुसुम अपनी बहू से कहती है, सांप बहू अरे बहू पीछे, अरे करम जली पीछे हो जा, तेरे चक्कर में कहीं मुझे ना काट ले वो। क्या नाप माँ जी, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, समझा कर कहो ना। अब कुसुम जैसे ही इशारे करती है वैसे ही पिंकी को लगता है कि उसकी सास उसकी कमर की बात कर रही है। ऐसे में पिंकी अपनी सास से शर्माते हुए कहती है, अरे माँ जी आप भी ना, ये भी कोई समय है कमर का नाप पूछने का? वैसे चलो आपने पूछा है तो बता दूँ, मेरी कमर का नाप ना 28 है बस। अरे करम जली नास पीटी, खाने की प्लेट को उधर रख और खाना खाना छोड़, मैं तेरी कमर का नाप नहीं पूछ रही।
अरे मैं तो ये कह रही कि उधर देख सांप है सांप, नाज पेटी कहीं की। कहाँ है सांप माँ जी? ये क्या कह रही हो आप, सांप? कुसुम को अपनी बहू को इतना सुनाने के बाद वो वहीं बेहोश हो जाती है। लेकिन कुसुम अब जैसे तैसे उस सांप को घर से बाहर निकालती है और अपनी बहू को होश में लाती है। कुसुम की बहू पिंकी उठती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी चला गया सांप, मेरा खाना कहाँ है? मुझे लगा आज ये मुझे डसीनेगा। अरे चला गया तो ऐसे कह रही है, लग रहा तेरे फूफा का बेटा हो। वो तुझे मिलने आया था क्या? सांप था वो पगली। ठीक है ना माँ जी, अब मुझे खाना बनाना है। आपको चाय पीनी है तो बता देना, मैं आपके लिए चाय बनाने जा रही हूँ। मुझे तो चक्कर से आ रहे हैं। हे भगवान, क्या करूँ मैं इस औरत का, किस मिट्टी की बनी है ये। पिंकी को इस सिचुएशन मजाक ही लग रही थी और इधर कुसुम डरी हुई थी। लेकिन पिंकी कहाँ कुछ समझने वाली थी, पिंकी को सिर्फ खाने से मतलब था, उसे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगली सुबह रोने धोने की आवाज सुनकर जैसे ही पिंकी हॉल में आती है तो देखती है कि उसकी दादी सास निकल पड़ी, और इस बात का पिंकी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो किचन में जाती है और चाय बनाते हुए सोचती है, दादी जी को तो जाना ही था, रोने धोने से क्या ही होगा। और माँ जी आज कैसे रोने में लगी हुई है, जो कल तक एक गिलास पानी नहीं देती थी किसी को, वो दादी के लिए फालतू के आंसू बहा रही है। ये सोचते हुए सभी के पास आकर बैठ जाती है और चाय पीने लगती है। इधर सब रो रहे थे लेकिन पिंकी चाय की चुस्कियां ले रही थी। ये देखकर बसंती पिंकी के पास जाती है और कुसुम की बहू पिंकी से कहती है, अरे बहू क्या कर रही है तू? तुझे तेरे माँ बाप ने बताया नहीं क्या कि जिसके घर में मृत्यु होती है वहाँ पे चूल्हा नहीं जलता? एक तो तूने इस घर में चाय बना ली और ऊपर से गटागट पी जा रही है। आज या फिर कल दादी जी को जाना ही था, तो इसमें कोई नई बात तो नहीं है ना? और क्या हुआ जो मैंने चाय बना ली और पी रही हूँ? अब थोड़ी इनके जाने के बाद कोई खाना पीना छोड़ देगा या फिर सदमे में अनशन पर बैठ जाएगा। अरे बहू देख, सब तुझे कैसे देख रहे हैं। अरे भले ही मेरी कुसुम से बनती ना हो, लेकिन ये गलत कर रही है तू। बसंती काकी तो ऐसे बोल रही है जैसे दादी जी उठकर मुझे अभी तो थप्पड़ मार देंगी और कहेंगी कि सुन बहू, मैं तो मर गई हूँ और तू खा पी क्यों रही है? जिंदगी है, हंसी खुशी से रहना चाहिए। अब दादी को ले जाने के बाद कुसुम अपने एक बहू को कमरे में ले जाकर उससे कहती है, बहू मैं तुझे ना अभी के अभी तेरे मायके भेज रही हूँ, और तू अभी जा यहाँ से। मेरी जो बच्ची कुछ ना कहे ना, तू उसे भी कटवा के रहेगी लग रहा है। अरे माँ जी मैंने क्या किया ऐसा जो आप मुझे यहाँ से ऐसे भेज रही हो, जैसे कि मैंने गलती कर दी हो। आखिर मेरी गलती क्या है? गलती? अब तेरी गलती बताऊँ तुझे? अरे नास पीटी करम जली, यही काम रह गया मैं तेरी गलती बताऊँ। इतनी अनजान मत बन तू। अरे वो तो तेरी भी दादी थी, थोड़ा रो लिया होता क्या हो जाता, लेकिन नहीं, तुझे तो खाना है पीना है ऐश करना है जिंदगी में। माँ जी दुख तो मुझे भी है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि उस दुख से मैं पेट कैसे भर सकती हूँ। अरे करमजली तुझे क्यों नहीं समझ में आता, अब सब लोग ना हमारा मजाक बनाएंगे। और तो और अब मैं थक चुकी हूँ, मुझे ना अपना और मजाक नहीं बनवाना। अब कुसुम क्या करती, उसकी फूटी किस्मत ने तो उसकी किस्मत ही खराब कर रखी थी। और ऐसे ही कुसुम मन में सोचती है, अब मैं माँ के काम तक इसे कैसे संभाल के रखूंगी, इसे तो कुछ कहना ही बेकार है। अगर इसे कुछ समझा दो ना, वो तो समझेगी नहीं, उल्टा कांड और कर देगी। इससे बढ़िया ना मैं ही चुप हो जाती हूँ, अब जो होगा देखा जाएगा। अब दादी के काम के बीच में आधे दिन तक तो पिंकी खाने में ही लगी रही, जिससे कुसुम और परेशान हो गई। बसंती भी कुसुम के घर आकर बातें ही बनाती थी, क्योंकि दोनों की बनती नहीं थी। और एक रोज तो बसंती कुसुम को ताने दे देती है और कुसुम से कहती है, अरे कुसुम वैसे कहने वाली बात तो नहीं है, लेकिन मैं कह देती हूँ फिर भी, अरे तेरी बहू ना किसी दिन तेरी नाक कटवा के रहेगी। अरे उसे तो किसी भी चीज का फर्क ही नहीं पड़ता, जब दादी मरी थी ना उससे भी उसे कोई मतलब नहीं था, वहाँ पे भी वो चाय बनाकर ही पी रही थी। इस पर कुसुम कुछ भी नहीं बोलती। और अगले ही दिन दादी की तेहरवी थी और इस तेहरवी के बाद की पूजा के बाद ही लोगों का खाना पीना होना था। लेकिन बसंती जब कुसुम के घर आ रही होती है तो ये देखकर वो हैरान हो जाती है कि उसकी बहू हलवाई से बहुत सारा खाना लाई है और कमरे में बैठकर खा रही है। ये देखकर बसंती उसके सामने ही कुसुम से कहती है, वैसे कुसुम मैं कुछ कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी बहू को तो देख, देख जरा कैसे बेशर्मों की तरह खाई जा रही है, और अभी तक पूजा भी नहीं हुई। बसंती कैसी बातें कर रही है तू, ये सच है क्या, और कहाँ है वो? अरे कमरे में देखकर आ रही हूँ, अभी तक वो खाने में लगी हुई है। देख बहन, कल को तू मर जाएगी ना तब भी वो बेशर्मों की तरह खाने बैठ जाएगी। अरे उसे तो किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ता है,
जैसे कि आग लगे बस्ती में और तेरी बहू मस्ती में। बसंती, मैं उसे समझा के ना पागल हो चुकी हूँ, पर वो है कि सुधरने का नाम नहीं ले रही। अब कुसुम अपने बेटे से बात करके अपनी बहू को उसके साथ मायके भेज देती है और 6 महीने तक वापस नहीं लाती, क्योंकि वो उसकी आदत से बहुत परेशान हो चुकी थी और उसे सुधारने का यही तरीका था। 6 महीने बाद जब पिंकी वापस ससुराल आती है तो उसकी सास उसे देखकर कहती है, बहू आ गई तू, चल अब जल्दी से ना अंदर आ जा, मैं बहुत बेसब्री से तेरा ना इंतजार कर रही थी। क्यों माँ जी, आपको भला मेरा इंतजार करना ही क्यों था? बहू, तेरे घर वाले बता रहे थे कि अब तेरी बहुत सी आदत छूट गई है, खाना कम खाने लग गए तो आजकल। हाँ माँ जी, अब मैं पहले की तरह बार बार खाती नहीं हूँ ना, अब मुझे बार बार भूख नहीं लगती। पिंकी की आवाज़ सुनकर कुसुम खुश हो जाती है और अपने बेटे से कहती है, देखा मेरा आइडिया, पिंकी कैसे सुधर गई। ऐसी पूरा दिन बीतता है और शाम हो जाती है। शाम होते ही कुसुम अपनी बहू से कहती है, बहू तू इतने दिनों के बाद आई है ना, इसलिए आज शाम का खाना मैं बनाऊंगी। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें, पर माँ जी मेरे लिए थोड़ा सा खाना ज्यादा बना देना ना, वो मैं बार बार खाती नहीं हूँ ना, इसलिए एक बार में ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा खा लूंगी। कुसुम बड़ी ही मेहनत से पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद थोड़ी देर के लिए वो बाहर चली जाती है और बाजार से जब वापस आती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। बहू तू सारा खाना अकेले ही खा गई? अरे ऐसी भी क्या भूख थी तेरी जो सारा का सारा खाना खा गई? माँ जी, जब से आपने मुझे मायके भेजा है ना, तो मुझे सबकी याद आने लगी है, उसकी वजह से मैंने बार बार खाना छोड़ दिया, लेकिन मुझे इतनी तेज भूख लगती है ना कि मैं पूरे दिन का खाना एक ही बार में खा जाती हूँ। अरे राजीव बेटा, ये क्या बोल रही है तेरी बेबी? हाँ माँ, ये सही कह रही है, ये अकेले 3 लोगों का खाना खा जाती है। राजीव की बात सुनकर कुसुम अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और अपनी किस्मत को दोष देने लगती है। और ऐसे ही धीरे धीरे कुसुम को अपने खाते पीते परिवार की बहू के साथ रहने की आदत पड़ जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।